हेलो फ्रेंड्स, मैं संपदा कुलकर्णी आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल टेक टॉक्स में। इस वीडियो सीरीज़ में हम देख रहे हैं बाइनरी सर्च ट्री, और अब तक हमने देखा इंट्रोडक्शन, रिप्रेजेंटेशन एंड टाइप्स ऑफ ऑपरेशन इन फर्स्ट वीडियो। इन सेकंड वीडियो, हाउ टू क्रिएट द बाइनरी सर्च ट्री एंड हाउ टू इंसर्ट अ नोड इन द बाइनरी सर्च ट्री। अभी इस करंट वीडियो में मैं आपको सॉल्व एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर रही हूँ। उसके बाद हम देखने वाले हैं सर्च ऑपरेशन, डिलीट ऑपरेशन एंड द डिस्प्ले और द ट्रैवर्सल ऑपरेशन। तो कंटेंट को जाने से पहले मैं सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल रिंगिंग रखिए। अभी हम यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं कि बाइनरी सर्च ट्री की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, मेन कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि अगर कोई भी लेफ्ट चाइल्ड हो पेरेंट नोड का, उसकी वैल्यू जो होती है वो पेरेंट नोड की वैल्यू से लेस होती है और राइट चाइल्ड की वैल्यू पेरेंट नोड की वैल्यू से ग्रेटर होती है। ये हमें प्रॉपर्टी ऑलवेज मेंटेन करनी है टू परफॉर्म एनी ऑफ द ऑपरेशन लाइक इंसर्शन और द डिलीशन ऑपरेशन। तो ये मैं फिर से आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हम फोकस करने वाले हैं इंसर्शन ऑपरेशन पे। तो ये प्रॉपर्टी हमें हमेशा ध्यान में रखनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इंसर्शन ऑपरेशन। इंसर्शन ऑपरेशन हमें कब करना होता है? आफ्टर क्रिएशन ऑफ द बाइनरी सर्च ट्री। पहले हमें क्रिएट करना होता है, उसके बाद हम वन बाय वन नोड इंसर्ट कर सकते हैं। तो इंसर्शन के लिए हमें सबसे पहले प्रॉपर पोजीशन फाइंड आउट करनी होती है। तो प्रॉपर पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए एक अल्गोरिदम है जो कि हमें एक्सप्लेन करेगा कि हम प्रॉपर पोजीशन ऑफ एवरी नोड जो कि हमें इंसर्ट करनी है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो हमेशा हमें रूट नोड से ही स्टार्ट करना होता है। रूट नोड से स्टार्ट करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि जो इंसर्शन की है हमारी, वो हमें रूट नोड की वैल्यू से कंपेयर करनी है। अगर हमारी की वैल्यू जो है वो लेस देन रूट नोड है तो हमें लेफ्ट सब ट्री में जाना है और लेफ्ट सब ट्री में हमें प्रॉपर पोजीशन सर्च करनी है। और अगर हमारी की वैल्यू जो है वो लेस देन रूट नोड नहीं है, इसका मतलब वाइस वर्सा वो ग्रेटर देन रूट नोड है, तो हमें राइट सब ट्री में जाना है और वहां पे हमें प्रॉपर पोजीशन फाइंड आउट करनी है। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बोला था, जो बाइनरी सर्च ट्री का प्रॉपर्टी है वही हमें यहाँ पे फॉलो करना है। अगर की वैल्यू लेस देन है हमारी रूट नोड से, तो हमारा प्रॉपर्टी बोलता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बाइनरी सर्च ट्री बोलता है कि वो हमें लेफ्ट सब ट्री में डालना है, और अगर ग्रेटर है तो वो हमें राइट सब ट्री में डालना है। क्योंकि एवरी टाइम पेरेंट नोड का लेफ्ट चाइल्ड हमेशा पेरेंट नोड से छोटा होता है और राइट चाइल्ड हमेशा पेरेंट नोड से बड़ा होता है। यही प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए हमें इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ये जो 6 स्टेप्स है वो हमें रिपीटेडली फॉलो करनी है फॉर इंसर्शन ऑफ एवरी की। ओके, अभी हम सॉल्व एग्जांपल देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल, ये हमने इंसर्ट किया था फर्स्ट नोड जो कि हमें हेल्प करता है क्रिएशन ऑफ अ बाइनरी सर्च ट्री। तो मान लो कि हमारा ये ट्री क्रिएट हो चुका है बाय इंसर्शन ऑफ अ फर्स्ट नोड, और वो फर्स्ट नोड हमेशा हम रूट नोड कह के ट्रीट करते हैं। अभी हमें की अगर फॉर एग्जाम्पल 25, हमारी इंसर्शन की जो है वो 25 है वो, और वो हमें इंसर्ट करनी है। तो हमारी फर्स्ट स्टेप क्या है? कंपेयर इंसर्शन की विथ अ रूट नोड। कंपेयर करने के बाद रिजल्ट क्या होगा? की इज लेस देन अ रूट नोड। ओके, की वैल्यू क्या है? 25। रूट की वैल्यू क्या है? 56। तो ऑब्वियसली की वैल्यू जो है वो लेस देन अ वैल्यू ऑफ अ रूट नोड है। टू फाइंड आउट अ प्रॉपर पोजिशन इन विच सब ट्री, आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिख सकते हो। तो कौन सी सब ट्री में हमें जाना है, प्रॉपर पोजीशन सर्च करनी है? इन अ लेफ्ट सब ट्री, राइट। तो लेफ्ट चाइल्ड हमें देखना है, 56 को लेफ्ट चाइल्ड है, लेफ्ट सब ट्री है नहीं है, तो वही उसका प्रॉपर पोजीशन हो जाता है। इसलिए हमें क्या करना है? इंसर्ट की नोड एट एज अ लेफ्ट चाइल्ड ऑफ अ रूट नोड। तो ये हमने लेफ्ट चाइल्ड करके हमें इंसर्ट कर लिया क्योंकि 56 को लेफ्ट चाइल्ड प्रेजेंट था ही नहीं, तो वही उसकी प्रॉपर पोजीशन हो जाती है। अभी नेक्स्ट इंसर्शन की है 65। सबसे पहले हमें फिर से कंपेयर करना है रूट नोड की वैल्यू से। रूट नोड की वैल्यू को कंपेयर करने के बाद रिजल्ट क्या आएगा? 56 इज कंपेयर्ड विथ की वैल्यू 65।
तो रिजल्ट क्या होता है कि इज अ ग्रेटर देन अ रूट नोड, की वैल्यू जो है वो रूट नोड से ग्रेटर है, तो उसकी प्रॉपर पोजीशन हमें फाइंड आउट करनी है और उसके बाद इंसर्ट हमें वो नोड करना है। तो प्रॉपर पोजीशन कौन सी होगी अगर ग्रेटर है तो? यस राइट, दैट विल बी द राइट सब ट्री। तो हमें चेक करना है क्या यहाँ पे राइट चाइल्ड अवेलेबल है राइट सब ट्री को मूव होने के लिए? नहीं, नो राइट चाइल्ड इज प्रेजेंट, दैट्स वाई यही हो गया उसका प्रॉपर पोजीशन, मतलब कि 65 जो होगा वो राइट चाइल्ड 56 का राइट चाइल्ड अटैच हो जाएगा और वही उसकी प्रॉपर पोजीशन होगी। अभी फिर से हमें थोड़ा सा और एक नोड देखते हैं कि नोड अगर हमें 36 इंसर्ट करना है तो हमें क्या करना होगा। तो सबसे पहली स्टेप तो हमें पता है, कंपेयर करना है हमारे रूट नोड से। 36 और 56 दोनों कंपेयर हो चुके हैं। कंपेयर के बाद हमारा रिजल्ट क्या होता है? 36 जो है वो की रूट नोड से लेस है, छोटा है, तो हमें कहाँ पे उसकी प्रॉपर पोजीशन ढूंढनी पड़ेगी? उसके लेफ्ट सब ट्री में। अभी लेफ्ट सब ट्री में ढूंढने के लिए 56 को सबसे पहले चेक करना है कि लेफ्ट चाइल्ड है या नहीं, तो उसका लेफ्ट चाइल्ड अवेलेबल है। तो अभी अगर वो अवेलेबल है तो हमें स्टेप डाउन करना है उसके लेफ्ट चाइल्ड को। लेफ्ट चाइल्ड इज प्रेजेंट, दैट्स वाई मेक 25 एज अ रूट नोड। हमें स्टेप डाउन करना है 25 पे, और 25 को अभी हमें रूट नोड बनाना है। 25 को रूट नोड बनाने के बाद फिर से हमें यही स्टेप एग्जीक्यूट करनी है, कंपैरिजन एंड चेक फॉर अ प्रॉपर पोजीशन एंड टेक अ प्रॉपर डिसीजन। तो सब फिर से हमें स्टेप वन एग्जीक्यूट करना है। 25 से कंपेयर करने के बाद हमें पता चलता है कि 36 जो है वो 25 से ग्रेटर है, तो राइट सब ट्री में हमें प्रॉपर पोजीशन देखनी है, पर राइट सब ट्री अवेलेबल है ही नहीं, राइट चाइल्ड अवेलेबल है ही नहीं, तो हमारी जो इंसर्शन की है वही राइट चाइल्ड करके अटैच हो जाएगी हमारे करंट रूट नोड को, यानी कि 25 को। तो ये हो गया इंसर्शन ऑफ 36। यहाँ पे अब आपको हर एक इंसर्शन के बाद चेक करना है कि जो ट्री आपका क्रिएट हो चुका है हर एक इंसर्शन के बाद, वो बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है या नहीं, मतलब कि आप कहीं रॉन्ग तो नहीं जा रहे हो, ये आपको चेक करना है। तो ये देखो 56 उसका लेफ्ट चाइल्ड है, उससे लेस देन 56 है, और उसका राइट चाइल्ड ग्रेटर देन 56 है। अगर 25 को हम रूट नोड बनाते हैं तो उसको लेफ्ट चाइल्ड अभी तक तो है नहीं, और उसका अगर राइट चाइल्ड देखा जाए तो वो उससे ग्रेटर है। अगर 56 रूट नोड हम कंसिडर कर रहे हैं तो ऑल जो नोड्स अवेलेबल है उसके लेफ्ट सब ट्री में वो उससे छोटे होने चाहिए, तो 25 और 36 दोनों 56 से छोटे हैं, और उसके राइट सब ट्री के सभी नोड उससे बड़े होने चाहिए। तो फिलहाल तो 65 एक ही नोड है तो वो उससे बड़ा है। अभी फिर से ये ट्री कंसिडर करके अगर हमें और एक नोड इंसर्ट करना है वो है 86, तो सबसे पहले आप एक ट्राई कर सकते हो कि अगर आपको इंसर्ट करना आता है या नहीं। अगर आप इंसर्ट कर सकते हो तो इसका मतलब आपको बाइनरी सर्च ट्री का कंसेप्ट और इंसर्शन ऑफ अ नोड इन अ बाइनरी सर्च ट्री का भी कंसेप्ट आपको समझ में अच्छी तरह से आ चुका है। तो आप वीडियो पॉज कर सकते हो और आप चेक कर सकते हो कि आपको समझ में आया है या नहीं, अदरवाइज मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो सबसे पहले कंपैरिजन से हम स्टार्ट करेंगे। की वैल्यू जो है वो रूट नोड से कंपेयर की जाएगी, तो वो ग्रेटर है, इसके लिए हमें राइट सब ट्री में उसकी प्रॉपर पोजीशन सर्च करनी है। अभी राइट सब ट्री में सर्च करनी है मतलब कि हमें स्टेप डाउन हो जाना है और 65 को हमें रूट नोड बना लेना है। 65 राइट चाइल्ड अवेलेबल है इसलिए हम स्टेप डाउन हो गए और 65 से कंपेयर कर रहे हैं। अभी 65 से 86 कंपेयर करने के बाद फिर से आप देख सकते हो कि 86 जो है वो 65 करंट रूट नोड से ग्रेटर है, इसलिए फिर से हमें राइट सब ट्री को मूव होना है। पर यहाँ पे राइट सब ट्री अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब है 65 का राइट चाइल्ड ही हमें 86 एज अ अटैच कर लेना है, तो इसीलिए 65 का राइट चाइल्ड हम 86 को बना रहे हैं, और ये हो गया इंसर्शन ऑफ 86 इनटू द बाइनरी सर्च ट्री। अभी फिर से हमें 72 इंसर्ट करना है। 72 अगर इंसर्ट करना है तो हमें क्या करना होगा? फिर सबसे पहले 56 से कंपेयर करना है। 72 56 से ग्रेटर है इसलिए हमें 65 को मूव होना है, उसको रूट नोड बना के 65 के साथ कंपेयर करना है।
65 से भी हमारा की वैल्यू ग्रेटर है, इसलिए हमें अगेन राइट चाइल्ड है या नहीं वो चेक करना है. राइट चाइल्ड है तो करंट रूट नोड हमें राइट चाइल्ड को बना लेना है, दैट इज 86. 86 के कंपेयर करने के बाद आपको पता चलेगा कि 72 जो वैल्यू है वो 86 से लेस है. अगर लेस है तो हमें लेफ्ट सब ट्री पे फोकस करना है. पर आप यहाँ पे देख सकते हो कि लेफ्ट सब ट्री प्रेजेंट नहीं है, मतलब कि यही उसकी प्रॉपर पोजीशन है और हमें 72 एज अ लेफ्ट चाइल्ड अटैच कर लेना है. अब तक आपको शायद ये समझ में आ गया होगा कि स्टेप डाउन करते करते अगर हमें आइदर लेफ्ट सब ट्री में इंसर्ट करना होगा और लेफ्ट चाइल्ड प्रेजेंट नहीं है तो वही उसका प्रॉपर पोजीशन बन जाता है और उसी प्रॉपर पोजीशन पे उसको इंसर्ट करना होता है. तो हमें कहाँ तक स्टेप डाउन होना है, जब तक कि अगर लेफ्ट सब ट्री में इंसर्ट करना है और लेफ्ट चाइल्ड नल है तो वही उसका प्रॉपर पोजीशन हो जाता है, और अगर राइट सब ट्री में इंसर्ट करना है और एनी रूट नोड का, करंट रूट नोड का राइट चाइल्ड अगर नल है तो वही उसका प्रॉपर पोजीशन हो जाता है. अभी फिर से देखो, अगर 19 करना है तो अभी मैंने जो लॉजिक बताया था वो फॉलो करो. रूट नोड से स्टार्ट करके, रूट नोड से कंपेयर करके चेक करो कि कौन सी सब ट्री में जाना है. तो 19 अगर लेस है तो ऑब्वियसली हमें लेफ्ट सब ट्री में जाना है. तो 56 को लेफ्ट चाइल्ड है या नहीं वो हमें चेक करना है. लेफ्ट चाइल्ड है तो हमें स्टेप डाउन करके 25 को रूट नोड बना लेना है. अभी 25 के अगर हम रूट नोड बना रहे हैं तो 25 से कंपेयर करो. 25 से कंपेयर करने के बाद हमें ये पता चलेगा कि 19 25 से कम है तो हमें लेफ्ट सब ट्री में फोकस करना है. तो क्या लेफ्ट चाइल्ड प्रेजेंट है 25 को? नहीं, 25 को लेफ्ट चाइल्ड प्रेजेंट नहीं है, वो नल है. करेंटली फिलहाल वो नल है तो हमें उसका प्रॉपर पोजीशन मिल गया है. तो 25 का लेफ्ट चाइल्ड 19 ऐसे हमें अटैच कर देना है और ये हो गया 19 इंसर्शन ऑफ अ नोड और की वैल्यू 19 इनटू अ बाइनरी सर्च ट्री. फिर से अगर हमें न्यू नोड ऐड करना है 8, तो लेट स्टार्ट विथ अ रूट नोड. 56 का कंपेयर किया, लेस है और लेफ्ट सब ट्री भी उसका प्रेजेंट है तो स्टेप डाउन करके हमें 25 को रूट नोड बनाना है. 25 को रूट नोड बनाने के बाद फिर से कंपेयर होगा 8 वैल्यू विथ 25, फिर से लेस है तो हमें फिर से चेक करना है लेफ्ट चाइल्ड प्रेजेंट है या नहीं. लेफ्ट चाइल्ड प्रेजेंट है इसलिए 25 को का लेफ्ट चाइल्ड 19, उस पर मूव होके हमें 19 रूट नोड बना लेना है. अभी 8 हमें कंपेयर करना है करंट रूट नोड से 19 से. जैसे कि 8 लेस देन 19 है तो स्टेप डाउन होना है लेफ्ट सब ट्री पे, पर यहाँ पे लेफ्ट चाइल्ड प्रेजेंट है ही नहीं, इसका मतलब कि 19 का लेफ्ट चाइल्ड नल है और अगर वो नल है तो वही उसका प्रॉपर पोजीशन लोकेशन होता है और वो हमें एज अ लेफ्ट चाइल्ड अटैच कर लेना है. सो इसी तरह से हमें इंसर्शन करना है. अगर 22 है तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 56 से कंपेयर होने के बाद 22 लेस है तो स्टेप डाउन करके 25 को रूट नोड बना लिया. 25 से कंपेयर करने के बाद पता चलता है कि लेस है तो 19 एज अ लेफ्ट चाइल्ड प्रेजेंट है 25 को, तो मूव करके स्टेप डाउन होके 19 को रूट नोड बनाने के बाद फिर से कंपेयर करने के बाद आपको पता चलता है कि 22 19 से ग्रेटर है तो 19 के राइट सब ट्री को हमें मूव होना है. पर 19 का राइट सब ट्री नल है, राइट चाइल्ड है ही नहीं, इसका मतलब है कि यही उसका प्रॉपर पोजीशन है और 22 हमें राइट चाइल्ड करके अटैच कर लेना है. तो आई होप यहाँ पे मैंने सफिशियंटली नोड्स इंसर्ट करके आपको एक्सप्लेन किया हुआ है. अगर ये आपको समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड सॉल्व एग्जाम्पल भी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ तो आप उससे भी गो थ्रू कर सकते हो. सो थैंक यू फ्रेंड्स, आपने ये वीडियो पढ़ा, देखा, सुना. अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट करना ना भूलिए, आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ना भूलिए, और अगर आपको कुछ क्वेरी है तो भी कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना ना भूलिए. अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए. यहाँ पे मैं सब्सक्रिप्शन लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, उसके साथ साथ इस वीडियो सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो भी मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ और पूरा प्लेलिस्ट भी मैं यहाँ पे आपके रेफरेंस के लिए प्रोवाइड कर रही हूँ. सो थैंक यू फ्रेंड, हैप्पी लर्निंग, हैप्पी डेटा स्ट्रक्चरिंग, स्टे ट्यून विथ टेक टॉक्स. बाय, टेक केयर.